कि रमण रेत लेटो नहीं और कियो न यूना पान रे मन तू समझो नहीं कि ब्रज के तत्व महा। जो रमण रेत लेटो नहीं, जो ब्रज में तो गया लेकिन उस रेत में लेट नहीं लगाई, तो उसको वहां की महानता महत्वता क्या पता चले। जिसने जमुना जी के जल का पान नहीं किया हो वो क्या जाने ब्रज क्या है। तो भैया जब भी वृंदावन में जाओ, जब भी वृंदावन में जाओ तो पिकनिक का मूड लेकर के मत जाना। अगर पिकनिक का मूड लेकर के जाओगे तो बांके बिहारी नहीं मिलेंगे। अगर बांके बिहारी के दर्शन का दर्शन करने के लिए जाओगे तो समझ लो आपको एक एक तत्व वहां का, आपको भैया एक एक तत्व के दर्शन होंगे। ब्रज की रेत सामान्य नहीं है, रज भी देवी देवताएं ऋषि मुनि इत्यादि हैं इसमें। जब ब्रह्मा जी से देवताओं ने आकर के कहा कि प्रभु जहां कन्हैया जी खेल रहे हैं हमें वहां पर भेज दो, ब्रह्मा जी ने कहा देखो जगह बताओ तो भेज देते हैं, कि प्रभु वृक्ष बना दो। भगवान ने कहा जितने वृक्ष बनाने थे सब बना दिए, अब जगह नहीं है, तो प्रभु गऊ बना दो हमें। भगवान ने कहा जितनी गऊएं बनानी थी बना दी, तो लता पताएं बना दो। कहा लता पता जितनी बनानी थी सब बना दी। देवता लोग कहने लगे तो प्रभु, भगवान ने कहा कोई भी जगह, ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कोई भी जगह बता दो वो मैं स्थान दे दूंगा। तो कहने लगे ब्रज में रज तो कितनी भी हो सकती है ना, तो आप हमें ब्रज की रज ही बना दो। आज वो सभी देवता ब्रज की रज बन करके आए महाराज, ब्रज की रज बन के। कि मोर जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन, नाच नाच चहक चहक तुम्ही को रिझाएंगे। बंदर बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद फांद फांद ब्रज ब्रज झूलन दिखाओगे। बिच्छुक बनाओ तो बनाओ ब्रज मंडल को, क्योंकि टूक हरि भक्त सो मांग मांग खाऊंगी। भृंगी को करो तो करो कालिंदी के तीर, गीत आठो शाम 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 के में गाऊंगी। गीत आठो शाम 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 के में गाऊंगी। तो भैया ब्रज की लीला बड़ी महान है। आज भगवान ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे हैं और ब्रह्मांड घाट पर पहुंच करके एक मिट्टी का डेला लिया और मुख में रख लिया। जैसे ही मुख में रखा बलदाव भैया ने कहा अच्छा मिट्टी खाई है, चलो मैया से शिकायत करूंगा। कन्हैया जी ने क्या कहा बताए, कर दो जाओ कर दो, लेकिन एक बात ध्यान रखना दाऊ भैया, तू तो हमारी शिकायत मिट्टी खाने की करेगो और मैं शिकायत कर दूंगो कि दाऊ भैया है ना इतने मोटे 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 भांग के गोला खावे। दाऊ जी ने सोचा कि इसकी पिटाई होगी कि नहीं होगी, लेकिन मेरी जरूर हो जाएगी। अच्छा लाला मैं तेरी नहीं कहूंगो और तू मेरी मत कहियो। इतने में ही मधुमंगल ने जाकर के, मधुमंगल गया, मधुमंगल ने जाकर के कह दिया मैया से, मैया लाला ने ब्रज रज खाई है, मिट्टी खाई है। मैया के पास पकड़ के लेके आयो और जैसे ही मैया से कहा कि मैया क्यों रे कनुआ तूने मिट्टी खाई है, ना मैया मैंने तो ना खाई। कान पकड़ के जैसे ही मुख खोलकर देखा तो आज ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं सभी को, ब्रह्मांड के दर्शन कराए। उस ब्रह्मांड के अंदर महाराज पूरे भारत वर्ष के दर्शन कराए हैं और पूरे भारत वर्ष के अंदर आज 84 कोस का जो ब्रजमंडल है ना उसके दर्शन कराए हैं। और 84 कोस के ब्रजमंडल में जो माता यशोदा का महल गोकुल में है 85 चौक वाला, उसके दर्शन कराए हैं। और जैसे ही दर्शन कराए महाराज, मैया कहने लगी तू तो साक्षात भगवान है रे, अरे मुझे क्षमा कर मुझे माफ कर। भगवान ने कहा सब गड़बड़ हो गई, अब तो वैष्णवी माया को आदेश दिया कि मेरी मैया जैसे पहले थी वैसे ही कर दो। तो मैया ने कहा
लाला तू तो अरे मैया कोई सपनों देखे होएगो तेने, कोई सपनों हैं, कोई सपनों देखे होएगो। तब उन्होंने जाकर के ये बात कही। उसके बाद मैया ने कहा देखो दोबारा फाड़ मुंह, और जैसे ही दोबारा मुंह खुलवाया तो भैया मिट्टी लगी हुई है। और उसके बाद तुरंत मैया ने डांटा है कि ब्रज रज नहीं खाते हैं। उसके बाद प्रेम से बोली श्री राधे, कन्हैया इतना प्रेम करती है मैया, मैया ने बहुत समझाया कि बिना प्रेम रीझे नहीं, और नटवर नंद किशोर। अरे प्रेम नहीं होता तो बांके बिहारी मैया के यहां आते क्या, बताइए। जिन्होंने जन्म कहां लिया, कहां लिया जन्म, यशोदा मैया से बहुत दूर, देवकी मैया के कोख से जन्म लिया, काफी दूर मथुरा में जन्म लिया, और मथुरा से आज खेल कहां रहे हैं, गोकुल में, किसकी गोद में, मां यशोदा की गोद में। तो भैया प्रेम नहीं होता तो क्या ऐसा होता क्या, ऐसी मां यशोदा भक्ति मई माता है। ऐसा कौन सा कर्म किया है मैया ने, ऐसा कौन सा कर्म किया है मैया ने जो कि स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण आज मैया के यहां पर नृत्य करते हैं, तरह तरह की लीलाएं करते हैं। देखो पूर्व जन्म में नंद बाबा और मां यशोदा ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। प्रेम से बोलिए श्री राधे, बहुत धन्य धान्य मतलब बहुत पैसे वाले थे, और भैया इतने पैसे वाले थे, लेकिन वो उनका ऐसा नियम था जब तक एक ब्राह्मण को या एक अतिथि को या एक संत को भोजन नहीं करा देते तब तक वो स्वयं भोजन नहीं करते थे, स्वयं भोजन नहीं करते। समय का चक्र चलता रहता है, समय एक जैसा कभी किसी का नहीं रहता। धन्य धान्य से अब वो इतनी गरीबी आ गई कि भैया सुबह को खाएं, सुबह को कमाएं तो दोपहर को खाएं, दोपहर को कमाएं तो शाम को खाएं। लेकिन फिर भी उन्होंने ब्राह्मण को अतिथि को संत को भोजन कराया नहीं छोड़ा, पहले उनको भोजन कराते फिर स्वयं भोजन करते। प्रेम से बोलिए श्री राधे, एक दिन एक संत उसी गांव में आया, उसने एक व्यक्ति से पूछा कि भैया ऐसे व्यक्ति का घर बताओ जिसके यहाँ का प्रसाद हम पा सकें। वो गांव से थोड़ा सा बाहर एक कुटी बना करके रहते थे। उस व्यक्ति ने बताया कि हमारे यहां तो कोई भक्त है तो वो पंडित जी का घर है, वहां जाइए। दोपहर का समय था, संत जैसे ही पहुंचे ब्राह्मणी ने देखा उनका स्वागत किया है, आइए भगवान आइए गुरुवर आइए, बहुत बड़ी कृपा करी है आपने, आप आए हो बहुत कृपा करी है। प्रेम से बोलिए श्री राधे, मैया आज हम तुम्हारे यहाँ का प्रसाद पाएंगे, प्रभु ये तो मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। इतना समय लगेगा, सिर्फ इतना समय लगेगा जितना बनाने में लगता है। उस माँ का बालक वहीं खेल रहा था पास में, वहीं पास में खेल रहा था। ध्यान से सुनो कथा, कोई भी बीच में बात ना करे, बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जैसे ही कुछ समय पश्चात प्रसाद बना करके महाराज उन संत के सामने परोसा है। संत ने कहा मैया जो तेरा बालक था अभी जो खेल रहा था उसको बुलाओ, हम उसके साथ में प्रसाद पाएंगे, उसको बुलाओ। मैया ने कहा उसने भोजन कर चुका है, और तुम ऐसा करो वो भोजन कर चुका है तुम करो प्रभु। नहीं मैया फिर भी कर चुका है कोई बात नहीं, कुछ थोड़ा सा प्रसाद पा लेगा लेकिन उसको बुलाओ। फिर मैया ने कहा वो तो कर चुका है महाराज आप करो। संत ने कहा मैया उसको बुलाती हो या नहीं, नहीं तो हम भोजन छोड़ करके जा रहे हैं। और जैसे ही ये बात कही महाराज मैया की आंखों में आंसू आ गए, मैया की आंखों में से जैसे ही आंसू गिरने लगे संत को समझने में देर ना हुई, समझ गया कुछ तो कारण है कुछ तो। तब पूछा मैया क्या बात है तू क्यों रो रही है। प्रभु अगर आप मेरा घर छोड़ करके चले गए, प्रसाद छोड़ करके चले गए तो मैं भगवान को क्या जवाब दे पाऊंगी, क्या जवाब दे पाऊंगी। तो मैया बालक को बुलाओ, प्रभु कहां से बुलाऊं,
अरे हमारे घर की ऐसी स्थिति है भगवान, जब सुबह कमाते हैं तो दोपहर को खाते हैं, और दोपहर को कमाते हैं तो शाम को खाते हैं, और जब आप आए हो तो हम सुबह का भोजन कर चुके हैं। हमारी गरीबी बहुत है, उधार कोई देता नहीं गरीब होने के नाते, इसीलिए आप मेरे दरवाजे पर आए, आप भूखे ना लौट जाएं, इसीलिए मैं अपने बेटे को अपने पुत्र को गिरवी रख करके तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आया। भैया तूने मेरे लिए अपने बालक को गिरवी रखा, मेरे लिए अपने बालक को गिरवी रखा। भैया तेरा पुत्र कितने साल का था? तब कहा कि भगवान मेरा पुत्र 11 वर्ष 54 दिन का था। तो ठीक है मैया, इस संत का ऐसा आशीर्वाद है कि स्वयं पर ब्रह्मा परमात्मा 11 वर्ष 54 दिन तक तेरे महल में नृत्य करेगा। आज उसी संत के आशीर्वाद की वजह से कन्हैया जी 11 वर्ष 54 दिन तक माँ यशोदा के महल में रहते हैं प्यारे, उसी की बदौलत। तो ऐसी भक्ति मई माता यशोदा है, वही भक्ति वही भाव हमारे अंदर होना चाहिए। आज मैया अपने पुत्र की सेवा स्वयं अपने हाथों से करती है, ऐसी बात नहीं है कि मैया क्या नौकर नौकरानी ना हो। भाई 9 लाख गाय हैं नंद बाबा के यहाँ, एक एक खरक इतना बड़ा है कि 10-10 हजार गाय एक खरक में आती हैं, और भैया नौकर नौकरानी होने के बावजूद भी मैया अपने हाथों से अपने लाला की सेवा करती है। और आजकल क्या चलता है? आजकल ये चलता है जैसे ही बालक होने वाला होता है दाई को बुला लेते हैं, बालक हुआ उसकी गोद में डाला और खुद चले गए जॉब करने के लिए। अब प्रेम से बोलिए श्री राधे, और जब जॉब करने के लिए चले गए तो वो बालक दुग्धपान किसका करेगा? अब दाई क्या करेगी? एक पाउडर वाला डब्बा ले आएगी, उसको दूध बनाएगी, पाउडर का दूध उसे पिलाएगी। पहले समय में आपने एक कहावत सुनी होगी, माँ का दूध पिया है तो सामने आ, और जब बेचारे ने पिया ही पाउडर वाला है तो सामने कहां से आएगा है? प्रेम से बोलिए श्री राधे। भैया आज मैया अपने हाथों से उसकी सेवा करती है, आज लाला को काजल लगा के आंखों में, आज काजल लगा के आंखों में सुलाया है, और प्रातः 4 बजे उठ करके दही बिलो रही है, और दही बिलोते बिलोते लाला की लीलाओं को याद कर रही है। देखो भक्ति 3 प्रकार से होती है, कौन कौन सी? मनसा वाचा कर्मणा। भक्ति 3 प्रकार से होती है, मनसा वाचा कर्मणा। मन से कन्हैया की कथा को याद कर रही है, वाचा यानी गुणगान करके कन्हैया को दूसरे प्रकार से, और दही ब्लो करके कर्म करके तीसरी भक्ति कर रही है, मनसा वाचा कर्मणा। 3 प्रकार से भक्ति होती है महाराज, और मैया 3 प्रकार से भक्ति कर रही है। और भैया कन्हैया जी जैसे ही प्रातः जगे, आंखों में से काजल मीटते मीटते जैसे ही मैया के पास पहुंचे, मैया मुझे माखन दे दो। अरे लाला अभी तू जगे है ना, जा करके मुंह धोया पहले, फिर जब तक ताजी माखन निकल आवेगा और फिर तुझे माखन मिलेगा। कन्हैया जी कहने लगे, ना हमें तो अभी चाहिए। अरे जाना लाला, ना हमें तो अभी चाहिए। अच्छा अभी चाहिए तो कल का बासी माखन रखे हैं, जाके वो खा ले। ना हमें तो ताजी ही चाहिए, ताजी ही चाहिए, ताजी ही चाहिए। कन्हैया रमड़ जाते हैं बड़े जल्दी। मैया ने कहा अब तो ये तो रमड़ गया, अब क्या करें? तो मैया ने कहा देख 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 चंदा मामा। अब तो कहने लगे चंदा मामा चाहिए, चंदा मामा चाहिए, चंदा मामा चाहिए, चंदा मामा चाहिए। मैया ने एक परात में पानी भरो और पानी भर करके आंगन में रख दिया, चंद्रमा का आभास होने लगा, और लाला जैसे ही हाथ मारे वैसे ही चंद्रमा जी गायब, जैसे ही हाथ मारे वैसे ही चंद्रमा जी गायब। अब तो फिर रमड़ गया,
मैया कहने लगी तेरो ब्याह कराऊंगी, बहू लाऊंगी। अब तो चंदा बंदा सब भूल गए, बहू चाहिए, बहू चाहिए, बहू चाहिए, बहू चाहिए। मैया कहने लगी लो सुन लो, मुंह धोबो आवे ना जाए चाहिए बहू। आज मैया से क्या कह रहे हैं, मैया दूल्हा मोहे बनाए दे, मुरमट माते पे लगवाए दे अपने प्यार की। मैया लाई दे दुल्हनिया यमुना पार की, मैया लाई दे दुल्हनिया यमुना पार की। मैया दूल्हा मोहे बनाए दे, मुरमट माते पे लगवाए दे। मैया दूल्हा मोहे बनाए दे, मुरमट माते पे लगवाए दे अपने प्यार की। मैया लाई दे दुल्हनिया यमुना पार की, ओ लाई दे दुल्हनिया यमुना पार। हरि बोल। खाऊं मैं माखन, दूध पी नहीं ना पाऊं ना
दूध न पियो दही न खाओ ना खाओ मैं माखन दूध न पियो दही न खाओ ना खाओ मैं माखन अब ना मैं तोटी गुदबाओ मैया तेरे हाथन अब ना मैं चोटी गुदबाओ मैया तेरे हाथन भैया मेरी बात मान ले मेरे मन की बात जान ले भैया मेरी बात मान ले मेरे की बात जाने ले अपने प्यार की भैया आई थे दुल्हनिया यमुना पार की ओ आई दुल्हनिया यमुना पार की मैया दूल्हा मोहे बनाए दे और पट माथे पे लगवाए दे मैया मोहे बनाए दे माथे पे लगवाए दे अपने प्यार की सुधा मैया राधा रानी मेरी प्यारी सुन ले यशोदा मैया राधा रानी मेरी प्यारी सुन ले यशोदा मैया राधा रानी मेरी प्यारी सुन ले यशोदा मैया राधे राधे निस दिन गावे तेरो कृष्ण कन्हैया राधे राधे निस दिन गावे तेरो कृष्ण राधा तीन लोग के न्यारे जापे ब्रजवासी बलिहारी राधा तीन लोग के न्यारे जापे ब्रजवासी बनवारी अपने प्यार की मैया आई दे दुल्हनिया यमुना पार की ओ आई दे दुल्हनिया यमुना पार की मैया दूल्हा मोहे बनाए दे मोर मट माथे पे लगवाए दे अपने प्यार की लगवाए दे अपने प्यार की मैया लाई दे दुल्हनिया यमुना पार की ओ लाई दे दुल्हनिया यमुना पार की मैया कहने लगी बता तो को कैसी बहू चाहिए प्रेम से बोली श्री राधे कहा बता तो को कैसी बहू चाहिए कन्हैया जी ने क्या कहा पता है ऐसी बहू चाहिए जाके संग हम खूब खेल लें और जब हम जाएं तो उसको जेब में धर के ले जाएं प्रेम से बोलिए श्री राधे मैया ने सोचा किसी गुड्डा गुड़िया की कह रहा है लाला इतने में ही एक गोपी आई कहने लगी मैया तुम तो यहाँ लाला के साथ में
खेल रही है, उधर दूध उफना जा रहा है। ये दूध पूर्व जन्म का संत है, भगवान की सेवा के लिए आया है, और जब भगवान मात्र दुग्ध पान कर रहे हैं तो सोच रहे हैं मेरा रहने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो दूध उफन रहा है। मैया ने लाला को पटका और दौड़ लगा दी दूध की तरफ। कन्हैया जी ने सोचा मैया को पूत प्यारा या दूध प्यारा है, मैया को पूत प्यारा या दूध प्यारा? मैया को तो दूध ही प्यारो है, पूत प्यारो हो तो ऐसे पटक के नहीं जामती। कन्हैया ने देखा मैया अभी लौट करके नहीं आई। एक मैया के ददिया सास के जमाने की एक मटकी रखी थी, और जैसे ही उस मटकी में भैया सोचा डेला मारूं जिससे आवाज होगी और मैया फिर आ जाएगी, और जैसे ही डेला मारे वो मटकी टूट गई, सारा माखन बिखर गया। प्रेम से बोलिए श्री राधे।